वो एवरी टाइम हमारे तो दर्शन है वो एकदम अमेजिंग हो गए। ये व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर एब्सोल्युटली गुड। आई प्रथम रोडिकर वेलकमिंग यू टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। सो फाइनली हम लोग मॉर्निंग व्यू टेम्पल का दर्शन करने के लिए आ ही गए थे, लेकिन आने के बाद हम लोग को ये पिजन का एक बहुत अच्छा क्रू मिल गया जो इतने अच्छे से ग्रेन्स को खा रहा था। जो भी जहाँ पे भी वो लोग डिवोटीज आ रहे थे वो लोग इनको प्रोवाइड कर रहे थे। सो काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था हम लोग को, तो सोचा मैं भी इन लोग का कुछ वीडियोज़ और फोटोज़ निकाल लूँ। और हम लोग भी कुछ ग्रेन्स लाए हैं इनके लिए, सो हम लोग भी इनको कुछ ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे। और काफ़ी मज़ा आता है इन अच्छे ऐसे अच्छे व्यू को देखने में। और मैंने वाइड एंगल कर लिया है, सो दैट इज़ वाई यू कैन सी दैट द व्यू इज़ सो गुड इन द मॉर्निंग। सो अभी हम लोग है यहाँ पे मेले में, और ये छोटा सा एक बिल्डिंग टाइप है जहाँ पे सब पूरा मेला है यहाँ पे। सो काफ़ी मज़ा आया हम लोग को ये व्यू देखने में। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा दर्शन करने के बाद, और दर्शन करने के बाद क्या लगता है, कैसी फीलिंग्स आती है वो मैं आपको शेयर करूँगा। सो लेट्स मीट आफ्टर टेकिंग द दर्शन। हम लोग का मॉर्निंग दर्शन भी हो गया है एंड राइट नाउ वी आर एट द मेला। सो वी आर एंजॉइंग हियर एज मच एज पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे मुझे बीच का वीडियो नहीं निकालने मिला, बिकॉज बीच जो है टेम्पल के इनसाइड है। सो वहाँ पे मुझे मोबाइल लेकर जाना अलाउड नहीं था, सो दैट इज़ वाई आई वॉज अनेबल टू शूट द बीच। बट बहुत मज़ा आया और बहुत ही अमेजिंग मोमेंट्स थे हमारे, और काफ़ी मज़ा आया हम लोग को। तो मैं अभी मिलता हूँ सीधा आपको रूम में पैकेजिंग करने के बाद। तो एवरी टाइम हमारे तो दर्शन है वो एकदम अमेजिंग हो गए। शाम को कल रात को भी आए थे तो एकदम अमेजिंग हुए। शाम को रात को अभिषेक चल रहा था एंड नाउ ऑल्सो देर वॉज नो क्राउड इन द टेम्पल, और काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शन हो गए और बहुत मज़ा आया हम लोग को दर्शन करने के बाद। और दर्शन करने के तो एक अलग ही बात है, लेकिन जो टेम्पल है वो भी एक अमेजिंग है। उन वहाँ पर जो क्रिएटिविटी थी, सो हर एक कार्विंग था वो एकदम अमेजिंग कार्विंग के साथ वो टेम्पल बनाया है। उसके साथ ही वहाँ पे अलग अलग जो जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है इस इंडिया में, उन सभी की इंफॉर्मेशन भी दी गई है। सो काफ़ी मज़ा आया हम लोग को। एंड वन अनदर थिंग इज द बीच। सो बीच पे हम लोग को बहुत मज़ा आया हम लोग को बीच पे जाकर। और बीच पे जाने तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ के जो वेव्स है वो काफ़ी बड़ी थी, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत मज़ा आया। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आई एम स्पीचलेस अबाउट दिस टेम्पल। सो जो सोमनाथ का जो टेम्पल वो काफ़ी अमेजिंग टेम्पल है, आई हैव लाइक्ड इट सो मच। सो दिस इज़ द होटल एज यू कैन सी। दिस आर द स्टेयर्स। काफ़ी एक ओल्ड फैशन जो होती थी पहले, वैसे एक वुडन लुक जो है वैसे स्टेयर्स को दी गई है, दिस गिव्स अस एन अमेजिंग लुक। दिस वॉज आर फर्स्ट रूम जो हम लोग ने ऑलरेडी लॉक कर दिया है, एंड दिस इज द सेकेंड। सो एक बार एक शॉट ले आपको बता देता हूँ। दिस इज अ शॉर्ट बेड, दिस इज द बिग बेड, another one. Yes, so everything is done now and now we are exiting from Somnath. Sab kuch dekh liya na, kya hai to nahi kya? Yes, तो फाइनली हम लोग यहाँ सोमनाथ से हम लोग एक्सिट कर रहे हैं एंड नाउ और नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज टू गो टू द्वारका, द एंड ऑफ टूडेज डे। सो हम लोग एट द एंड हम लोग जाएंगे द्वारका की ओर। सो द्वारका से जाने के पहले हम लोग को जितने भी ऑन रोड हम लोग को टेम्पल्स मिलेंगे हम उनके दर्शन करेंगे। और जो भी हम लोग ने एक सफारी है, जो भी हम लोग ने कुछ प्लान किया है, कुछ अलग सा सरप्राइज़, वो भी आपको मिल जाएगा अगले वीडियोज़ में। सो मैं आपसे अभी अलविदा लेता हूँ अगले वीडियो के लिए। टिल देन गुड बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, बी सेफ एंड साउंड एंड डू एवरीथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ। गॉड विल ऑलवेज हेल्प यू एज इज हेल्पिंग मी। बाय।